Again, next one, what is the outbound given code? अगर इस current example के respect बात करें, इस case में हो सकता है आपको लगे looks like compile time error और syntactic error. लेकिन ये example valid है, इस case में just इसके behavior को observe करेंगे. मीन्स इसका behavior भी कैसा based on pointer operations. जैसा कि मैंने आपको pointers में बताया था, pointers के अंदर अगर आपके पास कोई भी expression available in case of array, like a of i, then सारे के सारे array expression memory level पर किस format में process होंगे in the form of equivalent pointer expressions. same statement आपके लिए write करना पड़ेगा like a i of a. It is also valid. क्यों इस केस में जस्ट इसका meaning क्या हो जाएगा? I plus a. मीन्स दोनों ही केसेस में सब एडिशन किसका परफॉर्म हुआ? a and i. मीन्स a plus b write करो, b plus a write करो, दोनों meaning कैसे हैं? Exactly same. इसलिए दोनों expressions के meaning भी कैसे हैं? Also same. जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में और प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, अगर आप कहीं भी डबल कोट्स के फॉर्म में स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी? इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स. प्लस स्ट्रिंग के प्लेसेस पर ऑलवेज रिप्लेस किया होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस. क्लियर? इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर गिवन एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे. फर्स्ट वन, सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना प्रिंट एप के अंदर गिवन एक्सप्रेशन. मीन इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने जस्ट राइट डाउन क्या किया, स्ट्रिंग ए बी सी डी ई. इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट क्या हुआ? एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स. और एरे ऑफ कैरेक्टर्स के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या हुआ? एरे का बेस एड्रेस. मीन्स इस टर्म्स को अगेन ए ऑफ आई कंसीडर करना पॉसिबल. मीन्स इस कंप्लीट थिंग्स को आप कंसीडर करोगे एज अ ए, देन टू क्या इक्वेलेंट टू आई, लाइक दैट. मीन्स ए के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस होता है? एरे का बेस एड्रेस. और जहां मैंने स्ट्रिंग यूज किया डबल कोट्स में, आपको इसके लिए कुछ भी परफॉर्म नहीं कराना. सबसे पहले से स्ट्रिंग के लिए सिंपली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन राइट करना है, देन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करा? वो मेमोरी के फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस. मीन्स स्ट्रिंग के अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने असाइन हुए हैं? 5. मेमोरी लेवल पर जब स्ट्रिंग के लिए मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराओ तो टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? 6 बाइट्स. क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा टर्मिनेट किससे होते हैं? टर्मिनेटेड बाई नल. देन आप कोई भी एड्रेस असाइन कर सकते हो, एनी एड्रेस. मैंने एड्रेस अज्यूम किया जाए 100 1 0 1 2 3 4 5. क्लियर? लाइक दैट. देन फर्स्ट केस में आसान क्या हो जाएगा? कैरेक्टर ए बी सी डी ई, देन नल. इस केस में जस्ट इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रिंग के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे? स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस. रीजन, इस प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली एरे से कंपेयर कर लो, देन आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. जस्ट ए ऑफ आई के अंदर ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होता है? बेस एड्रेस. और डबल कोट से भी रिप्रेजेंट क्या होता है? स्ट्रिंग का बेस एड्रेस. फाइनली इस एरे के अंदर और इस स्ट्रिंग के केस में इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का बेस एड्रेस क्या है? क्या मैंने 100. तो स्ट्रिंग के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस करेंगे 100. इट इज इक्वेलेंट टू 100 ऑफ 2. क्लियर? देन आपके पास मीन्स 100 के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ, सॉरी ए के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ? 100. आई के प्लेस पर 2. तो इसको कन्वर्ट करेंगे एज स्टार ए प्लस आई. वन मोर थिंग्स, अगर किसी लोकेशन का एड्रेस है ना, उसका अदर नेम क्या क्रिएट होगा? स्टार. है ना, अगर इसका एड्रेस 100 है तो इस लोकेशन को नेम देंगे एज स्टार 100. प्लस ये स्ट्रिंग कैसा? एनोनियमस स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग को कोई नेम क्रिएट हुआ है क्या? नहीं, कोई वेरिएबल नेम नहीं है इसके, इसमें नेमलेस स्ट्रिंग. देन स्टार 101, स्टार 102, 103, 104 एंड 105. देन इसका जस्ट कन्वर्जन क्या रहेगा? स्टार ए प्लस आई, ए के प्लेस पर जस्ट ऑकर क्या हुआ है? 100. तो ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस करोगे? 100. प्लस आई, आई के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ? जस्ट 2. रिप्लेस क्या करेंगे? 2. नेक्स्ट वन, जब इसको रिजोल्व करोगे स्टार 100 प्लस 2. 100 किस टाइप का एड्रेस है? कैरेक्टर एरे का एड्रेस. कैरेक्टर एरे के अंदर एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या है? 1 बाइट. इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से होगा? इक्वेलन टू 1. मीन्स फाइनली 2 से एडिशन करा रहे, तो एग्जैक्टली एडिशन भी कितने से होगा? 2 से. न्यू एड्रेस क्या है? 102. मीन्स फाइनली स्टार जब 102 के लिए अप्लाई करो तो स्टार क्या रिटर्न करेगा? वैल्यू ऑफ गिवन एड्रेस. मीन्स वैल्यू ऑफ गिवन एड्रेस मीन्स 102 में वैल्यू क्या स्टोर है? सी. और स्टार 102 का वैल्यू क्या? सी. तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा? ओनली कैरेक्टर सी. मीन्स सी इट्सेल्फ, केवल सी को कंसोलिडेट करो. सी इट्सेल्फ कोई स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर है. तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ है? कैरेक्टर. इस स्ट्रिंग का रिप्लेसमेंट कैसे हो जाएगा? ओवरऑल कैरेक्टर सी. और सी को डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करो? परसेंट ऐसे या परसेंट सी? परसेंट सी. इसलिए मैंने इस केस में प्रिंट एप के अंदर प्रोवाइड क्या किया? जस्ट
परसेंट सी, तो फर्स्ट प्रिंटेप के थ्रू जस्ट मैसेज में क्या प्रिंट हुआ, ओनली कैपिटल सी, क्लियर। सेम है नेक्स्ट वन अबाउट सेकंड प्रिंटेप, सेकंड प्रिंटेप के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगेन सेम केस है, ऑलमोस्ट मीन्स टू ऑफ गिवन स्ट्रिंग, मीन्स ये क्या सेकंड वर्जन मीन्स लाइक दैट आई ऑफ ए, इस केस में टू क्या लाइक आई और स्ट्रिंग के प्लेस पर रिप्लेस किया करो स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, अगेन फिर से न्यू स्ट्रिंग क्रिएट होगा, मैं सेम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कोई भी एड्रेस एज्यूम कर सकते हो, अगेन ए बी सी डी के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस 100 है तो इसका इक्वेलेंट मीनिंग क्या हो टू ऑफ आई, क्लियर। देन पॉइंटर के फॉर्म में प्रोसेस करो तो इसका कन्वर्जन क्या है आई प्लस ए, आई मीन्स टू ए मीन्स 100, देन स्टार अगेन एडिशन क्या आएगा 102, तो इसके समय वैल्यू भी किस लोकेशन का आएगा स्टार 102 लोकेशन, और स्टार 102 लोकेशन में क्या स्टोर है कैरेक्टर सी, फाइनली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा कैरेक्टर सी, और सी को डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या किया परसेंट सी, तो नेक्स्ट टाइम जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा अगेन सी, फाइनली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है सी स्पेस सी,